रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में शनिवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विवेचकों और सीसीटीएनएस के कर्मचारियों के साथ गोष्ठी की गई। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि सीसीटीएनएस कंप्यूटर ऑपरेटरों की कार्य प्रणाली को गति देने के लिए समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सत्यापन, ऑनलाइन कैरेक्टर वेरिफिकेशन और ऑनलाइन एफआईआर वेरिफिकेशन किस थाने पर कितना पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधा एवं बेहतर पुलिसिंग कार्य प्रणाली को और चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए किस थाने पर कनेक्टिविटी की दिक्कत है या किस पर या किसी सीसीटीएनएस कर्मचारी या मुंशी को अन्य प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वह बेहिचक हमें बताएं, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए पुलिसिंग कार्य प्रणाली को सुधारा जा सके। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि मुंशी और कंप्यूटर ऑपरेटर थाने की रीढ़ होते हैं। इस दौरान आरआई लाइन उमेश दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा काम सर जो है कुछ नहीं स्टार्ट हो पाया है सर। डाटा डिजिटाइजेशन 10 साल का डाटा सर जो है उसको डिजिटाइज प्रथम पेज में किया गया था सर, 2017 में किया गया था। उसमें आईपीसी के मुकदमे किए गए थे सर, पर जो है थाने पे आदेश दिया गया है सर लीडिंग महोदय द्वारा कि जो है 31/8/2020 तक उसको संपन्न करना है सर, लेकिन वो सर रिपोर्ट सर अभी दिए हैं सर, अभी इन्होंने जो है मुकदमे आज ये सीसीटीएनएस के जो ऑपरेटर्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स और हमारा जो मुंशी आना है उनकी उन सब की मीटिंग थी, जिससे कि हमारी कार्य प्रणाली थोड़ी स्पीड में आ सके, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन सत्यापन, ऑनलाइन कैरेक्टर वेरिफिकेशन, इन सब की हमने समीक्षा करी कि किस थाने के कितने पेंडिंग हैं, क्यों पेंडिंग है, कहाँ कंप्यूटर सिस्टम वीक हो रहे हैं, कहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इस तरह की समीक्षा की गई, जिससे कि हमारे थानों की कार्यप्रणाली और तेज हो सके और लोगों को और बेहतर सुविधा और बेहतर पुलिसिंग मिल सके। बिल्कुल, जो अच्छे से सीसीटीएनएस में काम करने वाले हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं।